यकीन नहीं आ रहा हमजा ये सब कर सकता है। वैसे बेटा कुछ गलती तुम्हारी अपनी भी है। जब हमजा ने तुम्हें कहा था कि कबीर उसको पसंद नहीं है तो उसके घर जाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? आंटी मैं फलक को लेके गए थे, उसे अलहम से मिलना था, वो तड़प रहे थे। आप मुझे बताएं मैं क्या करती। लेकिन सोचने वाली बात यह कि हमजा को किसने बताया कि तुम कबीर के घर पे हो? अच्छा नहीं पता। अच्छा सुनो, हमजा ने जो कुछ कहा है ना गुस्से में कहा है, उसकी बातों को ना दिल पे मत लो बेटा। दिल पर ना लूं? उसने मेरे किरदार पर उंगली उठाई है, मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं कबीर के साथ इन्वॉल्व हूं। क्या मैं आपको ऐसे लगती हूं? मुझे दुख तो इस बात का है कि हमजा मुझे अच्छी तरह से जानता है। उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं उसे धोखा दूंगी, कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ। उसने मुझ पे बेएतबारी करके मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। तुम देखना नवाल, उसे कुछ दिनों में खुद एहसास होगा, वो खुद आएगा तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए। उसके माफी मांगने से मेरे किरदार पे लगा हुआ धब्बा धुल जाएगा। जब रिश्तों में शक की दीवार आती है ना तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। देखो नवाल, तुम अभी गुस्से में हो, कुछ दिनों में जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं और मामा दोबारा आएंगे। मैं बदतमीजी बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने किरदार पर किसी की उंगली उठाना नहीं। और मैं ऐसे शख्स से हर किस शादी नहीं कर सकती जो मुझ पर भरोसा नहीं कर। बेटा रिश्तों में ऊंच नीच तो होती रहती है। You're taking it too personally.